ठीक है बेटा, ये सर्कल एंड टेंजेंट की एक कंडीशन है कि अगर ये सर्कल की इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका सेंटर होगा जीरो जीरो, रेडियस हो गई आर जो है वो एक इक्वल होगा, और ये लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इसकी टेंजेंट मैंने यहाँ पे देखी। तो ये इसे कैसे रिलेट करेगी, मैंने इसको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कन्वर्ट किया अपनी जनरल फॉर्म में, जो ये इस तरह का हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं उसमें चेंज किया है। इसके अकॉर्डिंग ए हो गया अपना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर मैं कंपेयर करूं तो ए हो गया एम, बी हो गया माइनस वन, और सी की वैल्यू सी के इक्वल रहेगी। अब मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी ये अपनी किसके इक्वल होगी भाई, रेडियस के इक्वल होगी, और रेडियस कितना है, ये रेडियस कितना है ए, ठीक है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जीरो जीरो, ये दोनों हो गए अपने जीरो जीरो। तो नोट कर ले बेटा इस चीज को, हो गया बेटा। यस सर। चलो आगे चलें, कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं इस टेंजेंट और इसके रिलेटेड, सर्कल और टेंजेंट से लिंक्ड कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं। चलो पहला पॉइंट, पहला नोट करके डाल लें, उसमें फर्स्ट पॉइंट है, पहली कंडीशन बेटा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है बेटा आपका, ये सर्कल शॉर्ट में लिख लो, और टेंजेंट क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये अपनी अगर टेंजेंट है तो इनमें एक रिलेशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, बेटा ये रिलेशन होना जरूरी है। दूसरा, अगर लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है और सर्कल की इक्वेशन बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, मैंने देखो ये ए लिखा है इसलिए यहां पर आर यूज कर लिया, क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। तो उस केस में सी स्क्वायर इक्वल टू अपना होना चाहिए आर स्क्वायर ब्रैकेट, ये सेकेंड कंडीशन होगी। सर ये फर्स्ट तरफ सर्कल है ना? हाँ बेटा, ये सर्कल की इक्वेशन और ये लाइन, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए अगर वो कोई टेंजेंट कहता है, वो कह रहा है कि ये एक सर्कल है जिसकी टेंजेंट ये है, लैम्बडा की वैल्यू म्यू की वैल्यू बताओ या प्रूव करो ये टेंजेंट है, तो ये सेटिस्फाई करना है आपके कंडीशंस, सही है बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट, इफ अब इसमें देखो सर्कल क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्या बेटा, ये हो गया अपना सर्कल, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन पता है ना, ये जनरल फॉर्म है बेटा अपनी सर, है ना अपने। हाँ बेटा ये सेकंड पॉइंट में जो सर्कल की आपने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आर की इक्वल आर इक्वल ए भी हो सकता है ना? हाँ वो, लेकिन यहाँ पे ए इन्वॉल्व हो गया ना मेरे बच्चे, इसलिए ए नहीं लिख रहे हम, ये आर लिख रहे हैं सेकंड पार्ट में। हाँ सेकंड पार्ट में ये ए यहाँ आ चुका ना। अरे तो, सर सेकंड पार्ट में सर्कल वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, आर की जगह हम लोग ए भी तो लिख सकते हैं। वही समझा रहा हूँ, ये दोनों मिला, ये दोनों चीजें एक ही क्वेश्चन के अंदर होंगी, तो मान लो मैं यहाँ भी ए लिख लेता हूँ यहाँ भी ए, तो ये जो ए होगा ना इसमें कंफ्यूजन आ जाएगा कि कौन सा ए है, ये वाला ए है या ये वाला ए है, यस सर, इसलिए इसे आर से लिखा है मैंने, वहां पे ए लिखा है, यस सर, ठीक है। वो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है ए लिखा होता है, कुछ में आर लिखा होता है, यस सर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन है, ये यहाँ पर लाइन जो है वो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, ये अपने पास लाइन है, ठीक है बेटा। अगर ऊपर वाली इक्वेशन आप देखें तो ये सर्कल और नीचे वाला लाइन है, तो ये इसकी टेंजेंट होगी, ये क्या होगी इसकी बेटा टेंजेंट, उस केस में क्या यूज होना चाहिए,
उस केस में लिखेंगे टेंजेंट की कंडीशन के लिए ये एल जी प्लस एम एफ माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये कंडीशन। ठीक है बेटा, ओके बेटा, यस सर। चलो एग्जांपल लगाएं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स Find the equation of tangents to the circle की equation दी है बेटा x square plus y square equal to 9 which अब यहां पे ना केसेस है, पहला केस है बेटा पैरेलल टू पैरेलल टू 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 बेटा। सेकंड कंडीशन परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 बेटा। सी केस मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, तीन पार्ट हैं इसके, आप पहले ध्यान से सोचें इन्हें फिर हम लगाएंगे। सब पहले वाले का 4y = -3x + -15 और दूसरे का 2y = 3x + -3√13 और लास्ट वाले का y = √3x + -6। तो यहां से रेडियस का तो काम निपटा लेंगे हम लोग, कितना बेटा 3, रेडियस 3 आ जाएगी बेटा। सभी को समझ आ रहा है? यस सर। अब बेटा यहां से ना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाओगे जब, तो ये एम वन बोल देता हूं मैं, है ना, क्योंकि एम टू की जरूरत पड़ती है, एम वन एम टू के लिए पैरेलल लाइन में। तो ये हो जाएगा अपना -3/4। यस सर। तो पैरेलल की बात हो रही है ना बेटा, जब पैरेलल होगा तो M1 M2 बेटा सेम ही होंगे। अब इसका जब पहला पार्ट में लिखूंगा तो y इक्वल टू क्या पढ़ा था मैंने, mx प्लस माइनस, याद है कुछ, r स्क्वायर ले लो, है ना, r लिखना चाहो तो r स्क्वायर, ऐसा कुछ याद है अपने को, क्यों बेटा? यस सर। अब इसमें m की वैल्यू मिल गई मुझे वहां से -3/4। हाँ बेटा। यस सर। तो हो जाएगा काम अपना। यस सर। बस m की वैल्यू ये रखनी है आपको यहाँ पर और r के प्लेस पे ये 3। क्लियर है? यस सर। अब बेटा इस पे पहुंचते हैं, यहां से भी जब मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाऊंगा तो मेरा m1 क्या बनेगा, -2/3। सोचो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाओगे तो यहां से -2/3 हो जाएगा। yes, sir. तो बेटा m2 कितना होना चाहिए, अब आप बताओ। 3/2। m2 हो गया 3/2,
कारण था परपेंडिकुलर, यहाँ तो पैरेलल की सिचुएशन है और ये परपेंडिकुलर की सिचुएशन है, उसके बाद यूज तो बी में भी यही होगा, बस एम के प्लेस पे क्या आने वाला है इस बार, 3/2। यस सर। क्यों बेटा? यस सर। अब बेटा सी पे पहुंचते हैं, सी वाले के लिए देखो उसने कहा थीटा कितना है 60, ऐसे 60 डिग्री बोल दिया ना उसने। यस सर। अब एम कितना होता है, एम इक्वल टू तो टेन थीटा पढ़ा था मैंने, यानी कि रूट थ्री नहीं होना चाहिए एम। सोचो जो स्लोप होगा वो तो एम इक्वल टू टेन थीटा होता है बेटा। यस सर। तो क्या मैं रख सकता हूँ? यस सर। क्लियर होगी बात? यस सर। आपने जो इक्वेशन लिखी ना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना सर, ये रूट में नहीं आएगा? अच्छा हाँ, ये ऐसे होगा, ये हो गया ही तो वो सी स्क्वायर लिख दिया ना मैंने वहां पे, जो कंडीशन थी वो वाली कंडीशन लगा दी थी ना, तो ये ऐसे आएगा बेटा, वो सी स्क्वायर वाली चीज लिख दी मैंने, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर। तो जब सी लेंगे तो ये हो जाएगा आर इन रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। तो तीनों में अगर आप देखें तो केवल एम का फॉर्म जो है वो अलग अलग आ रहा है, यानी कि एम की वैल्यू अलग अलग है, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे, ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट एक और लगाते हैं, आगे लगाऊं, आगे चलो। यस सर। नेक्स्ट है इफ LX plus MY plus N equal to 0 is the tangent of the circle की equation है मेरे पास X minus A square Y minus B square equal to r square, then al plus bm plus n whole square equal to, बेटा ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है? तो टेंजेंट वाली ही कंडीशन लगाना, ध्यान से लगाना बेटा, बन रहा है बेटा? सर आर स्क्वायर ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसा कुछ आया? यस सर। और किसी का बेटा? चलो फिगर की कंडीशन से अगर मैं समझना चाहूं तो ये कुछ ऐसा केस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये रेडियस के इक्वल, सेंटर अपना कितना है ए बी, yes, क्यों बेटा? सेंटर ए बी, और ये लाइन की इक्वेशन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमें याद होगा, ए एक्स वन बी वाई वन सी और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा याद है अपने को? yes, sir. बस यहीं पे वैल्यूज रखते जाएंगे, आर हो गया और ये जो आप देख रहे हैं ना ये अपने पास है यहाँ पर, और ये आएगा एल लिख दो, एल ए प्लस बी एम प्लस एन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेते थे ना, याद है? यस सर। तो ये एल स्क्वायर और एम स्क्वायर की बात करूंगा, अब मैं इसे कर देता हूँ इस तरफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर के साथ ऐसा बन जाएगा ये, और इधर हो जाएगा एल बी एम और ये एन, ऐसी चीजें बनेंगी। यस सर। इसके बाद कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो ये पार्ट आपका बन जाए, दिख रहा है बेटा मुझे? यस सर।
हो गया बेटा। हाँ जी बेटा। सर लेफ्ट साइड रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ बेटा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा ना, तो ये बनेगा आर स्क्वायर और ये रूट हट जाएंगे, तो देखो वही चीज आ गई ये वाली। ठीक है, चले आगे बेटा। यस सर। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें शो दैट थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू वन टच इज द सर्कल सर्कल की इक्वेशन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, सॉरी जनरल फॉर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये ऐसी कंडीशन कह रहा है बेटा, और ये पॉइंट जो पी है ना इसको भी पूछा है उसने। ठीक है बेटा, पी पॉइंट भी पूछ रहा है बेटा। पहले नोट कर लें इसे इक्वेशन को, फिगर नोट, फिगर देखना चाहे तो फिगर भी देख सकते हैं आप लोग। हाँ बेटा आया। देखो यहां और इसे, इसके लिए कंडीशन लिखी थी आपने, याद है कुछ? क्यों बेटा? यस सर। कुछ याद है क्या थी वो? एलजी करके थी ना, एलजी। या तो इसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाओ और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर, अदरवाइज ये वाली थी अपने पास एल जी प्लस एम एफ प्लस एन होल स्क्वायर। आया कुछ याद? यस सर। और यहाँ पे रेडियस वाला था तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इससे पहले अभी एक क्वेश्चन भी लगाया था आपने एलएमएन वाला, जिसमें मैंने यहाँ पे पूछा था सेकेंड पार्ट इक्वल में क्या होगा, याद है कुछ? हाँ बेटा। यस सर। बेटा वही कंडीशन है इसकी, तो इसे सेटिस्फाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है। यस सर। इसमें लाइन कौन सी थी? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, और सर्कल का तो वो होता ही अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये सेटिस्फाई करने के लिए कि ये टेंजेंट है या नहीं है, ये चीज दिखा देते हैं इक्वल। एक काम तो ये कर सकते हो, दूसरा और आप क्या लिख सकते हैं इसको, आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो सेंटर से, यहां से तो सेंटर क्या बनेगा इसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनेगा, एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, ये फोर। देख लो, मेरे को कुछ ऐसी याद है फोर आना चाहिए भाई। ये इक्वल टू वन कर लोगे ना, फिर आप वन और फोर ऐड करोगे, ये माइनस वन कर लोगे, क्या कहते हो, ऐसा बनेगा ना? यस सर। ठीक है यहाँ पर। यस सर। अब क्या करोगे, रेडियस टू मिल गई, यहां से सेंटर हो गया अपने पास वन कोमा माइनस टू, रेडियस हो गया टू। अब अपने को क्या लगाना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, ऐसे
ठीक है। यस सर। अब डी की जगह कौन आने वाला है? रेडियस यानी के टू। अब इक्वल टू, ये दोनों इक्वल दिखानी है मुझे, या तो सीधा परपेंडिकुलर निकाल लो, अदरवाइज दोनों चीज इक्वल दिखाओ। अब इधर से इस लाइन को प्रॉपर बनाओगे तो क्या लिखोगे? 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे डालूंगा ना बेटा? यस सर। अब इसमें वैल्यू रख दो, सेंटर अपने पास है 1 माइनस 2, तो ये हो गया अपने पास 3 प्लस 8 माइनस 1, और अपॉन में क्या आएगा? 5। अपॉन में आएगा 9 प्लस 16, हाँ 5 हो गया अपना, तो 10 अपॉन 5 करोगे तो ये भी तो 2 बना। यस सर। तो दोनों चीजें इक्वल हो गई, तो ये सेटिस्फाई तो कर दिया उसने कि भाई रेडियस इतनी आनी चाहिए थी, आ गई। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालना चाहिए? सर दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे ना, सेंटर और जो लाइन है उसकी। हाँ, अब या तो मैं एक काम कर दूं, क्या आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है? इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखी थी हम लोगों ने, पहले इतना नोट कर लो, मैं हटा रहा हूं इसको। ये पहला पार्ट हो गया, मतलब दो पार्ट थे जिसमें हमें एक को तो दिखाना है कि भाई वो उसकी टेंजेंट है, तो वो पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए, तो इसे नोट कर लो ताकि मैं इसे हटा दूं, फिर उसे समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको आनी चाहिए ना टाइप हर टाइप का। हो गया बेटा? अब यस सर। हाँ लिख लो इसको, फिर मैं दूसरी टाइप समझाऊंगा। सेकेंड पार्ट है इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के भी दो तीन तरीके होते हैं, जरा सीखेंगे हम। चलो ये अपना क्वेश्चन था, हमें पूछा क्या जा रहा है बेटा? ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी पूछा जा रहा है। अब मैं इतना तो जानता ही हूं कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, 90 डिग्री पर। Yes, तो एक पहला पार्ट मतलब टाइप वन यानी कि सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं, उसमें फर्स्ट पैटर्न क्या हो सकता है, या मेथड वन कह दीजिए बेटा, मेथड वन कह दीजिए चाहे इसको। मैं क्या करता हूं, मुझे ये लाइन की इक्वेशन मालूम है, क्या है प्रिय? 3x 4y = 1, यही तो है बेटा। Yes. अब इस पर ये लाइन क्या है, इसके साथ परपेंडिकुलर, मैं इसे ओपी कह देता हूं मान लो, तो ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है टू टेंजेंट, क्यों बेटा? ओपी तो परपेंडिकुलर टेंजेंट पे। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ ओपी कैसे निकालोगे? इक्वेशन ऑफ ओपी होगी इस पे परपेंडिकुलर, तो इनके कोफिशिएंट बदल जाते थे, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, याद है कुछ अपने को ऐसे लगाते हैं? यस सर। पक्का? क्यों बेटा? अब ये बताओ यहाँ पे सेंटर क्या आया था, ये वाला 1 माइनस 2। यस सर। तो इस 1 माइनस 2 से ये लाइन पास होगी नहीं होगी, ये वाली ओपी होगी। तो जब ये इस लाइन मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास होगी, तो ये पॉइंट पास करना चाहिए मुझे यहाँ पर, ओ पॉइंट हो गया 1 माइनस 2, इसे क्या कर रहा हूं मैं, पास क्या कर देता हूँ बेटा, पास कर देता हूँ इस पॉइंट को। जब मैं पास करूंगा इस पॉइंट को, तो 4 माइनस 6 प्लस λ = 0, मतलब λ 2 आ गया मेरा। क्लियर है बात? सोचो। यस सर। λ 2 आएगा तो क्या लिखोगे आप? 4x + 3y + 2 = 0, ये कौन सी इक्वेशन है? ओपी की, ओपी की इक्वेशन हो गई। क्या कहते हो? यस सर। अब बेटा देखो, ध्यान देना, ये ओपी वाली लाइन है, ये टेंजेंट वाली है, ये 90 डिग्री, और ये पी पॉइंट, तो ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया दोनों का। Yes, sir. अब आप इसे अगर सोच लो 1 और इसे सोच लो 2, तो क्या करोगे? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 4x एंड y,
एक्स वाई के लिए जरा इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करके लाओ बेटा, देखो क्या आता है। सर एक्स माइनस वन बाई फाइव, ऐसा कुछ आया वन बाई फाइव टू बाई फाइव माइनस में? यस सर। चलिएगा नोट कीजिएगा। हो गया बेटा ये भी? यस सर। चलो इसे मैं फिर से हटा रहा हूं, और मेथड एक और, सेंटर अपने पास है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। अब ये बताओ ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस किस का बना? सर्कल और लाइन से बना, यस नो? यस सर। तो मैं यहां से अगर मैं वाई बनाना चाहूं तो क्या बनाऊंगा बेटा? 3x माइनस 1 अपॉन 4, क्या कहते हो? यस सर। अब इसको क्या कर दो, यहां पे पुट कर दो, ठीक है, पुट ये इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन में आप इसको लेके जा रहे हो, जब आप इसे सर्कल की इक्वेशन में रखोगे तो क्या रखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 3x माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मैंने ठीक लिखा है इसे? क्यों बेटा? आपने इक्वेशन में रखा है ना? हाँ, ये y की जगह यहां गया है, देख लो सही लिखा है? सही लिखा होगा। अब जरा सॉल्व करके x लाओ तो। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। सर इस मेथड से भी वही आ रहा है, माइनस वन बाई फाइव और माइनस टू बाई फाइव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो रूल कोई भी सही, तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू जब निकालेंगे, माइनस टू बाई फाइव माइनस, यस सर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। चलो एक ऐसा पैटर्न जो बुक्स में नहीं होता, ठीक है, अगर ये नोट कर लिया हो तो तीसरे पे भी चलते हैं। ओके सर। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन सर्कल, इलिप्स, पैराबोला तीनों में काम आएगा, जरूरी है सर्कल के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है ये तरह, इस तरह की चीजें पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला वहां भी इस्तेमाल हो सकता है ये पैटर्न, ठीक है भाई। तो हटा लेता हूं इसको भी मैं, और एक मेथड है उस पर भी चलते हैं। मैंने टेंजेंट की इक्वेशन सीखी थी क्या? यस। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये निकालते समय हमने पढ़ा था भाई कि एक्स स्क्वायर की जगह लिखोगे एक्स एक्स वन, याद है अपने को? अगर किसी पॉइंट एक्स वन वाई वन पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं तो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, याद है अपने को? यस सर। चलो इसे इसे जरा निकालना, एक्स, ये एक्स वन वाई वन ही है, ये एक्स वन वाई वन ही है बेटा, लगाना जरा इसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ। क्या बनेगा बेटा? एक्स एक्स वन वाई वाई वन माइनस एक्स प्लस एक्स वन, क्योंकि टू तो कट जाएगा वो कॉमन, ये वाला टू इस टू से हट जाएगा बेटा, प्लस टू वाई प्लस वाई वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब आप इसे ना प्रॉपर वे में बना लो, जहां जहां एक्स कॉमन हो सकता है ले लो, तो एक्स वन माइनस वन हो जाएगा, वाई कॉमन हो सकता है ले लो, वाई वन प्लस टू वाई वन प्लस टू वाई वन, ये वाई यहां से कॉमन होगा ना वाई बेटा, तो वाई वन प्लस टू,
उसके बाद माइनस एक्स वन टू वाई वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या ये समझ आई लाइन मैंने कहां से लिख दी ये वाली? क्यों बेटा? चलो देखो, यहां से x कॉमन हो जाएगा दोनों से। Yes, समझ में, ये वाली लाइन तो समझ में आ गई ना बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ये कहां से आई, समझ आई बेटा मेरे को? Yes, sir. बस ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो अब देखो x जहां जहां होगा मैंने कॉमन निकाल लिया x, ये x कॉमन समझ में आ गया? Yes, sir. ऐसे ही y कॉमन आएगा यहां से और यहां से, ठीक है? हाँ जी बेटा, y कॉमन हो गया। Yes, sir. बाकी बची हुई चीजें ये रही। अब ये चीज तो टेंजेंट है अपनी, क्या है? टेंजेंट। अब जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है, क्यों? क्योंकि दोनों एक ही, दोनों इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोइंसिडेंट लाइंस हो गए। यस नो? यस। वो अनंत अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल, याद है जब एक लाइन दूसरी लाइन पे बन जाती है ऐसे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। उसके लिए कुछ याद है अपने को भाई? ऐसे याद करो अगर तुम तो, ये पढ़ा था हमने तो तीनों चीज इक्वल होती है। यस सर। तो अब लगाओ तीनों चीज इक्वल, कैसे लिखोगे तीनों चीजें इक्वल? इसके लिए भाई x1 माइनस वन अपॉन थ्री, y1 प्लस टू अपॉन माइनस फोर, माइनस एक्स वन टू वाई वन प्लस वन अपॉन वन। ये बात क्लियर है? अब रेशियो इक्वल ले लिया मैंने, ये वाली बात लगा दी, ये वाली कंडीशन, क्यों बेटा? ठीक है। yes, अब आप इनसे कंपेयर कर लो। देखो ये फर्स्ट पार्ट है, इसे मैं सेकंड पार्ट मानता हूं, इसे मैं थर्ड पार्ट मानता हूं। अब तीनों पार्टों को दो दो के पेयर बना के इक्वल रख लो, निकाल लो जरा इससे भी। सर इसे, इसके अपॉन में माइनस वन होगा ना सी वाला? अच्छा हाँ, वो इधर से माइनस वन, ये यस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा क्या फिर? हाँ पहले दो में ये, नहीं नहीं माइनस ये पूरे में नहीं है ना, केवल एक्स वन के साथ है बेटा। मतलब सर कैंसिल आउट नहीं होगा फिर? हाँ अगर कैंसिल करोगे तो इसे ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, पहले ऐसे ये देखो, ये चीज करनी पड़ेगी तुम्हें इसको पहले। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, अब ये समझ आ गया ना कैसे करते हैं। यस सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अब नॉर्मल इक्वेशन निकालना, नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की हो चुकी है, नॉर्मल की करेंगे। चलो अब अगला पॉइंट है अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है? ऑन द सर्कल, सर्कल पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल रहे हो, फिगर आपको पता ही है, अभी टेंजेंट तो पढ़ा था ना मैंने ऐसे, ये अपना पी पॉइंट, ये अपना सेंटर, क्यों भाई? चलो माइनस जी माइनस एफ, पहली कंडीशन में ऐसी ले लेता हूं। सर्कल की इक्वेशन हो गई है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये अपने पास क्या है? सर्कल, ठीक है बेटा? और पॉइंट क्या है अपना? एक्स वन y1, सही है बेटा? देख रहे हो, अब ये ज्वाइन करोगे तो ये आपका क्या हुआ? 90 डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री। यस सर। अब नॉर्मल की इक्वेशन जो होती है बेटा, वो टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाती है बेटा?
90 डिग्री बेटा ये, मतलब आप इसको, ये जो इक्वेशन ए बी है इसे आप निकाल रहे हो एक तरह से। अब इक्वेशन ए बी जो है, इक्वेशन ए बी परपेंडिकुलर है इस पर, टेंजेंट पर, क्यों बेटा? यस सर। और इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकालूं तो मुझे ए बी निकालना है। अब ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, या वाई माइनस वाई वन लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब आपका वाई वन प्लस एफ हो जाएगा और एक्स वन प्लस जी हो जाएगा और एक्स माइनस एक्स वन। आप माइनस कॉमन लेके भी काट सकते हैं अगर आप दूसरे तरीके से लगाना चाह रहे हैं। ये पता चला ना ये कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म बेटा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स, ये वाली लगाइए बेटा मैंने यहाँ पर। क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। लिख लो इसको, ये ए बी की इक्वेशन है। और इसी को ना दूसरे तरीके से ऐसे लिखा जाता है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन प्लस f इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन प्लस g, ऐसे लिखा जाता है। सर इसके लिए पहले x1 y1 निकालना पड़ेगा ना? नहीं, ये तो गिवन होगा ना बच्चा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये सर्कल है, ये पॉइंट है, नॉर्मल की इक्वेशन निकालो। सर्कल पॉइंट देगा आपको, नॉर्मल की इक्वेशन पूछेगा। यस सर। चलो दूसरा, ये एक पैटर्न तो ये है। अब दूसरी सर्कल की इक्वेशन भी तो हो सकती थी। इफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर ये सर्कल है देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन। भाई यहां पर आपका सेंटर क्या है? जीरो जीरो। यस सर। तो ये होगा एक्स अपॉन एक्स वन इक्वल टू वाई अपॉन वाई वन, बस इतना काम करना है इसमें, क्योंकि इसमें ना वाई एफ जी वगैरह कुछ है ही नहीं। क्यों बेटा? एफ जी वगैरह तो कुछ है ही नहीं ना बेटा यहाँ पर। यस सर, इसीलिए ऐसा रख लेंगे। चलो एग्जाम्पल लगाओ पहले, एक बहुत छोटा सा। सो दैट ये हैव अ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये बताना है कि इस सर्कल की नॉर्मल जो है, देख रहे हो आप, ये है। So that circle have a normal, ये कैसे बताओगे नॉर्मल है इसकी? सोचो कैसे, क्या करना चाहिए कि मैं बता सकूं ये इक्वेशन उसकी नॉर्मल है।
हाँ बेटा सर, अगर हम इसका सेंटर निकाल दें और उसको नॉर्मल की इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई कर दें तो भी हो सकता है। हाँ देखो, ये होती है कंडीशन, ये टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, तो इसकी कंडीशन तो ये होती है कि ओरिजिन, मतलब ओरिजिन क्या, जो भी सेंटर है उससे पास होके जाएगी। क्यों बेटा? यस सर। तो ये जो माइनस जी माइनस एफ है उसे आप पास कर दो इस पे, रख के देख लो, अगर वो उसे सेटिस्फाई करेगा तो वो उसको बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई ये तो इसकी नॉर्मल है क्योंकि सेंटर से पास होती है नॉर्मल। तो पहले क्या करना है आपको, सेंटर निकालना है, सेंटर आ गया वन वन कोमा माइनस वन, एक हाँ ये वैसे वो करेगा नहीं, इसे चेंज कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन मैंने थ्योरी के हिसाब से सोचा था एक ऐसे ही। ठीक है बेटा, थ्री कर लो उसको, थ्री कर लो, अब ये सेटिस्फाई कर देगा। अब क्या करोगे, सेंटर पास कर रहे हो, पासिंग वन कोमा माइनस वन, मतलब ये पुट कर दोगे, अब आप एक्स को आप रख रहे हो वन और वाई को रख रहे हो माइनस वन, तो जब यहाँ पे रखोगे तो टू प्लस वन इक्वल टू थ्री, एल एच एस में रखा ना आपने, तो आगे है सेम। यस सर। इसका मतलब ये क्या है, इसकी टेंजेंट है वो, सॉरी नॉर्मल है। सो द गिवन लाइन इज द नॉर्मल ऑफ सर्कल, हो गया? यस सर। चलो आगे चलें। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स विच इज पैरेलल टू द लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन। अब यहां पर लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आपसे कहा गया कि भाई एक सर्कल की इक्वेशन है ये, इस पे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जो इस लाइन के पैरेलल। ओके, ध्यान से लगाओ बेटा। सर, 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा। टू एक्स क्या बेटा, एक्स प्लस क्या चीज सर, एक्स प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। और किसी का है बेटा? हाँ जी बेटा, चलो एक काम करते हैं, ये लाइन दे रखी है ना उसने, अब इसके पैरेलल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, इसके पैरेलल क्या होगा, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू लैम्डा लगा लो, इक्वल लगा लो चाहे प्लस लैम्डा लगा लो, ये हो गई बेटा। यस सर। अब जब पैरेलल है ये इसके, तो ये तो पैरेलल है, तो ये ऐसी इक्वेशन बना ली मैंने, ये इक्वेशन वन बन गई है आपकी ये वाली। अब ये कहां से पास होगी, सेंटर से। Yes, sir. सेंटर आएगा वन जीरो, ऐसा ही है क्या कुछ? Yes, sir. भाई इसको मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और ये होगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ऐसा होगा ना?
ठीक है? यस सर। हो गया? अब ये कहां से पास होगा? 10 से, तो 10 इसमें पास कर दो, 1 + 0 प्लस इक्वल इक्वल टू लैम्डा हो गया ना, लैम्डा इक्वल टू 1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनी अपनी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे बेटा? ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1। इसी को आप ऐसे भी ले सकते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर आया, ठीक है बेटा? यस सर। और कुछ पूछना है बेटा? सही समझ आ रही है चीजें? यस सर। चलो थोड़ा प्रैक्टिस अपने अच्छे से लेवल पे करते रहें और स्टेप ऐप का इस्तेमाल करें अच्छे से।